बस बस आई, बस कर दो। दबाने दे बेगम साहिबा, जब नींद आएगी तो चली जाऊंगी। क्यों, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाह रही हो? पुराने वक्त की एक बात याद आ गई बेगम साहिबा, सोचती हूँ कह दूँ। हाँ कहो। वो आज मैंने छोटी बीबी साहिबा के हाथ में एक ब्रेसलेट देखा था। तुमने भी देख लिया वो ब्रेसलेट? जी, और देखते ही वो पुराना वक्त याद आ गया जब वकार साहब ने अपनी बेटी को वो ब्रेसलेट पहनाया था। बिल्कुल ऐसा ही था, है ना बेगम साहिबा? हाँ ऐसा ही था। मगर वसाई, बड़ी बात है, उसकी माँ तो भूल गई लेकिन तुम्हें सब कुछ याद है। कैसे भूल सकती हूँ बेगम साहिबा, वो मासूम फूल जैसी बच्ची पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी। क्या मतलब कहाँ कैसी होगी? कहीं नहीं होगी वो। तुम्हें याद नहीं, पुलिस वालों ने कहा था ना उस जंगल में कितने जानवर हैं? मर मरा गई होगी, खा गए होंगे जानवर उसे। ना ना बेगम साहिबा, ऐसे ना कहें, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अच्छा, ठीक है, बस आइंदा इस बात को अपनी जबान पे लेके मत आना, समझी? चलो उठो यहां से, जाओ। पांव का दर्द खत्म नहीं किया, सर में दर्द कर दिया। लेके महरीन अपनी याददाश्त खो चुकी है। अरीच का कुछ पता नहीं कि वो जिंदा भी है या मर गई है। और महरीन सलमान को ही अपना बेटा समझ रही है। सब कुछ किसका हुआ? तुम्हारे सलमान का।